सो गाइस वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर की हम लोग बात करने जा रहे हैं गूगल की बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो कि 2019 के अंदर आप लोग अपने फोन के ऊपर इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर यार मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गूगल के अंदर ऐसी क्या क्या हिडन चीजें जो कि आप लोगों ने शायद ही इस्तेमाल करी होंगी। और भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहली ट्रिक के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा उमदा है। सो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको अपने स्मार्टफोन पे खोलना है गूगल की एक एप्लीकेशन, जैसे कि क्रोम है ना, और क्रोम पे लिखना है गूगल। जैसे आप अपना google.com खोलेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे जो सर्च बार है उसके अंदर लिखना है स्नेक पांडा या कुछ लाइक आप उधर और भी लिख सकते हो कोई भी जैसे जानवर का नाम, टाइगर लेपर्ड। तो वहाँ पे जो होगा टाइगर लेपर्ड अगर आप लोग लिखते हो तो वहाँ पे नीचे जैसे आप लोग सर्च पे ओके करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मीट अ लाइफ साइज लेपर्ड अप क्लोज, ओके। और नीचे एक ऑप्शन होगा व्यू इन 3D। एंड गाइस इस वाले चीज को करने से पहले आप लोग ध्यान रखना कि आपके स्मार्टफोन के अंदर एक ऑगमेंटेड रियलिटी हो, बेसिकली आपका फोन जो है ऑगमेंटेड रियलिटी को सपोर्ट करता हो, जब भी ये वर्क करेगा, क्योंकि जो नए प्रोसेसर हैं, जो हैवी प्रोसेसर हैं, वही इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं लेपर्ड पे व्यू इन 3D पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा स्पेस जो है पहले आप लोगों से रिकग्नाइज करवाना है एक फ्लैट सर्वेस पे, और ये पहले रिकग्नाइज कर लेगा ओवरऑल, और फिर आप लोगों को हर एक उसकी आवाज़ और साइज साथ आप जैसी अपने रूम में लाइक अगर आप कहीं बाहर घूम रहे हो तो आप लोग आराम से देख सकते हो। एंड कैसे जितने भी एनिमल्स हैं ये रियल लाइफ जो दिखते हैं आप लोगों को बिल्कुल सेम वैसे दिखेंगे, मतलब इनका जो साइज़ है, इनका जो वेट है, इनके जो पूरे फीचर्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों को रियल लाइफ जितने ही देखने को मिलेंगे पूरी डायमेंशन बेसिकली। तो बोले यार ये काफ़ी ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और अगर आप लोग अपने बोर हो रहे हो तो इन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हो और एक दो सेल्फीज फोटोज भी खींच सकते हो और अपने दोस्तों को पागल बना सकते हो कि आई मेट अ टाइगर इन माय हाउस ऐसे करके। तो एक बार चेक करना। एंड गाइस यहाँ पे सेकंड चीज़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब आप लोग ये तो कर ही सकते हो, साथ साथ यहाँ पे जो गेम अगर आप लोग खेलना चाहते हो और भाई गूगल के ऊपर लिखो टिक टैक टो, और आप लोगों को पता होगा जीरो काटा गेम जो कि हम लोगों का बचपन से ही फेवरेट गेम है, कितने लोगों को हमने हराया और कितनी बार हम लोग हारे हैं और कितनी बार हमारा ड्रॉ हुआ है वो मैच, तो आप लोग ये गेम जो है आप गूगल के साथ खेल सकते हो। अगर आप कहीं मीटिंग के लिए कहीं बैठे हो या फिर अगर आप कहीं डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके कहीं बैठे हो जिधर एक डेढ़ घंटा आपको वेट करना है, जहाँ पर भी अगर आप वेट कर रहे हो आप ये गेम फटाफट से गूगल पे स्टार्ट करो और भाई ये गूगल के साथ आप खेलोगे। और सच बताओ तो मैंने गूगल को भी एक बार भरा दिया इस वाली वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा यू नो लाइक इंटरेस्टिंग सा है और अगर आप लोग इसे ट्राई करते हो तो मज़ा ही आएगा। साथ साथ गाइस लेजेंडरी गेम जैसे कि स्नेक जो हमें नोकिया के फ़ोन में देखने को मिलता था आज से 15 साल पहले, वो भी गूगल ने डाल दिया है, तो आप लोग वो भी खेल सकते हो बैठे बैठे। एंड साथ साथ एक और लेजेंडरी गेम जो कि है पैकमैन, आप लोगों को पता होगा 90s के जो किड है उन्हें पता होगा ये। तो जो पैकमैन गेम है यार वो काफ़ी ज़्यादा हॉट चीज़ थी जब 1995 आएगा उस टाइम 90s के टाइम पर ही। तो अगर आप लोग वो खेलना चाहते हो तो वो भी अब गूगल के ऊपर अवेलेबल है, सिर्फ आप लोगों को पैकमैन टिक टैक टो या फिर लिखना है स्नेक गेम। तो ये सारी की सारी गेम्स आप लोगों को गूगल पे देखने को मिल जाएंगी और आप प्ले कर सकते हो उन्हें बहुत ही इजीली। देन गाइस हम लोग बहुत बार नर्वस हो जाते हैं कुछ, हम लोग अगर एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर हम लोगों के घर में कुछ बात पर चल गई और साथ ही साथ अगर हम लोग PTM के लिए जा रहे हैं भाई पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो जाता था, मतलब भाई बहुत हालत टाइट रहती थी कि टीचर पापा को क्या बोलेगी, मम्मी को क्या बोलेगी, बहुत ज़्यादा हालत टाइट रहती थी। बट वो सब अब फेस निकल गए हैं, थोड़ा आगे बढ़ गए हैं अब तो। लेकिन अगर आप लोग कहीं जैसे मीटिंग में कहीं जा रहे हो, आपको इंटरव्यू हो, तो अगर आप लोग थोड़े से नर्वस हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप गूगल पे लिख सकते हो बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और आप लोग वहाँ पे देखने को मिल जाती है 1 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिससे कि जैसे सर्कल छोटा होगा तो आप लोगों को अपनी सांस जो है छोड़नी है और जैसी सर्कल बड़ा होगा आप लोगों को सांस लेनी है। तो उससे क्या होगा, आप लोगों को काम डाउन करने में ये हेल्प करेगा। और अगर आप कहीं पर भी स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, अगर आप नर्वस फील कर रहे हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अब मैंने ये देखा है कि ब्रीदिंग जो है ना, हम लोग की अगर हम ब्रीदिंग में कभी भी फोकस करते हैं तो हमारा जो लाइक ऑक्सीजन अगर ज़्यादा जाता है हमारी बॉडी के अंदर, हम लोग आराम से उसे कर रहे हैं, लेकिन इतना मान लो जैसे हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँच जाता है तो भाई हम लोग बिल्कुल ऐसे एनर्जेटिक चार्ज हो जाते हैं और हम लोग थोड़ा बहुत फील लाइक काम फील करते हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ें लगी। एंड यार घर में फोटो फ्रेम तो यार सभी लगाते रहते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि घर में फोटो फ्रेम जब भी लगा रहे होते तो कील जो है कभी टेढ़ी लग गई, हम पड़ोसी वाले बंदे को बुलाते हैं, भाई चेक कर रहा है जरा कील टेढ़ी है। मैंने तो यार सच में करा है, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ चेंज करता रहता हूँ, कभी इधर से इधर हटा दिया, कभी उधर से वो हटा दिया, तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रहता हूँ। तो क्या होता है, हमें लेवलिंग का नहीं पता चलता कि ये लेवल में है, सीधा है या टेढ़ा है, फोटो लगा रहे हैं सीधी है टेढ़ी है। अब जैसे मेरा सिल्वर प्ले बटन लगा है, मुझे नहीं पता था सीधा है टेढ़ा, तो मैंने इस चीज़ की वजह से लाइक मदद से वो चेक करता उस। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग गूगल पे जाना है और सिंपली बबल लेवल सर्च करना है, और वहाँ पे आप लोगों को एक बबल लेवलर देखने को मिल जाता है आपके फ़ोन के अंदर ही। आप लोग कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली प्लेस करना है और आपके फ़ोन के सेंसर्स की मदद से ये पता लगा देगा
क्या आपका जो लेवल है वो बिल्कुल सीधा है या हल्का फुल्का टेढ़ा है या कुछ दिक्कत है। हाँ यार, हल्का फुल्का ये बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट तो नहीं रहेगा जैसे आप लोगों को पता है, बिल्कुल लेवलर जो होता है वैसा तो नहीं होगा। इंडस्ट्रियल लेवल वाला एक लेवलर भाई काफ़ी अलग होता है, लेकिन स्टिल ये आप लोगों को एक अंदाज़ा दे देगा कि आप लोगों ने इस चीज़ को इतना लगाया। तो मैंने सच में अपना जो प्ले बटन है उसको वैसे ही लगाया था। तो यार ये थी कुछ गूगल की टिप्स एंड ट्रिक जो कि मुझे यार काफ़ी ज़्यादा मस्त लगी 2019 के अंदर। एंड गाइस, मैं जो है ऐसी नई नई वीडियोज़ जो है एक बार ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बनाना। तो आप मुझे यार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप लोग ऐसे एक्साइटमेंट वाली लेवल फील कर रहे हो इन वीडियो को देख के, और अगर फील कर रहे हो तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलता हूं मैं आपसे एक और ऐसी एक्साइटिंग वीडियो के अंदर कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।